यादव को धन्यवाद देते हैं। न्याल मीला नीचे करो ना, हल्का लाइट सेटिंग फसला अच्छा हुआ है, लोगों थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो ना, आबादी के अंतर्गत हुआ है, सबके लिए हुआ है, अरे लोगों फर्ज में नीचे करो, बन गया सबके लिए हुआ है। मैम लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हां, लोकतंत्र की जीत हुई है, अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा है कि इतनी लंबा सजा सुनाने की क्या जरूरत थी, अगर 2 साल से कम की सजा सुनाई गई होती तो फिर उनकी सदस्यता जो है वो बच सकती थी। अब इसके बाद देश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां यह कह रही है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, देर से सही लेकिन सत्य जो है वो जीता है, पराजित तो कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, बिहार की राजनीति में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह तो एक दिन होना ही था। वही तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे पोस्ट किया है, चूंकि तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है, उन्होंने लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है, अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कोई कई विपक्षी नेताओं को ये साजिशों या पदंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते हैं। सत्यमेव जयते इंडिया, हैशटैग इंडिया भी, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो यह कह रहे हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और यह जीत एक बार फिर से जो है वो हुई है। तमाम षड्यंत्र के बावजूद भी सत्य जो है वो जीता है, क्योंकि जब 2 साल की सजा हुई थी जिसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता चली गई, घर खाली करवा दिया गया राहुल गांधी का, और इन तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संविधान जो है वो खतरे में है, इसी तरीके से जो बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करवाएंगे। चूंकि गुजरात की कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया, 2 साल की सजा, और 2 साल की सजा सुनाने के बाद जो है अगर कोई विधायक या सांसद को ये सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता जो है लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाती है, जिसमें विधान परिषद भी आता है, यानी कि एक जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको अगर इस तरह की सजा सुनाई जाती है तो उनकी जो पद है, कुर्सी है, वो खतरे में आती है। और यही बड़ी वजह है जो सदस्यता जो है संसद की चली गई थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जज से पूछा है जिन्होंने सजा सुनाई थी 2 साल की, कि क्या इससे कम की सजा नहीं सुनाई जा सकती थी, अधिकतर सजा क्यों सुनाई गई, इसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी है और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। राबड़ी देवी क्या कुछ कहें इस पूरे मामले को लेकर, पहले आप सुन लीजिए। राहुल गांधी को राहत मिली है मैडम, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जो मामला का सदस्यता पीछे करो ना हल्का तार, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, क्या धन्यवाद देते हैं, नीचे करो ना हल्का लाइट सेटिंग फसला अच्छा हुआ है, लोगों थोड़ा नीचे करो ना, सबके लिए हुआ है, अरे लोगों फर्ज में नीचे करो, सबके लिए हुआ है। मैम लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हां, लोकतंत्र की जीत हुई है, अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम, पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी आवाज पहले, अब मोदी जी को आप लोग बाहर कर देंगे सदन से, मिल गया उनको, पर बीजेपी तिल मिला गई है इस फैसले से, कह रहे कोर्ट का मामला है, पीछे हो जाए। तो आपने सुना पूर्व सीएम राबड़ी देवी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि स्वागत योग्य है, इंडिया और मजबूत होगा, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। फिलहाल इसको इतना ही, अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।